सो हाई फ्रेंड, वेलकम बैक टू, मेरा नाम है रोहित और मैं आज आया हूँ डुओ होंडा। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 2024 के न्यू कलर CB200X। आप देख सकते हैं ये एक CB200X का मैं आज आपको इसका डिटेल्स बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो यार मैं अभी आया हूँ साक्षी डुओ होंडा। अगर आपको कोई भी बाइक लेना है होंडा का तो यहाँ आके एक बार विजिट कर सकते हो। और आज हम लोग डिटेल्स बात करते हैं CB200X। तो ये एक देख रहे हाफ फेयरिंग बाइक है जो आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली टूरिंग बाइक बोलते हैं इसको, हाफ फेयरिंग है, देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया तो इसका जो कलर है अभी पूरी मिलता है आपको ब्लैक कलर, ब्लैक एंड आपको साथ में मिलता है सिल्वर का, मतलब दो कलर में मिल जाता है, मतलब ब्लैक एंड सिल्वर। तो सबसे पहले फ्रंट से बात करते हो तो यहाँ आपको फुल्ली मिलता है LED हेडलाइट और एक बढ़िया सा मिलता है बाइजर। यहाँ पर होंडा लिखा हुआ है और यहाँ पर ही नंबर प्लेट का दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर ही आपको मिलता है USD गोल्डन कलर का, देख सकते हो सोकर। और ये देख सकते हो मडगार्ड इस तरह से आपको ट्विन कलर मिलता है, यहाँ ब्लैक, यहाँ पर मैट भी फिनिश। और गाइस यहाँ पर टायर का साइज मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 110 सेक्शन का टायर मिलता है। और साथ में आपको मिलता है सिंगल चैनल, आपको मिलता है ABS डिस्क का साथ। ये इसका काउल है, बढ़िया सा काउल है। और ये देखिए यहाँ पर बोला ना दो कलर है, ब्लैक एंड सिल्वर, तो यहाँ पर लिखा हुआ होंडा का लोगो। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो गोल्डन कलर का आपको मिलता है USD फॉक्स। और इस बाइक में आपको लिक्विड कूल नहीं मिलता, एड कूल इंजन मिल जाता है, तो ठीक ठाक है। और टायर का भी आपको मिलता है टूरिस्ट टायर पीछे एंड आगे। और ये इसका इंजन है, बहुत ही पावरफुल इंजन है, 200 cc में आता है, 17 कुछ पॉइंट इसका BHP है पावर, और ठीक ठाक है। होंडा का तो इंजन आपको पता है रिफाइन होता है। और ये यहाँ पर एक मिलता है बढ़िया सा काउल फाइबर में, देखने में भी अच्छा है, सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। और गाइस यहाँ पर ही 200 का लोगो लिखा हुआ, बड़ी अच्छा लग रहा है देखने में गाइस। और ये जो आप देख रहे हैं नकल गार्ड यहाँ पर आपको मिलता है, देख सकते हो इंडिकेटर जैसे यहाँ रहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है, दे रहा है आपको फिटिंग का साथ कंपनी। टंकी देख लीजिए, बहुत ही बड़ा टंकी है, देखने में है मस्कुलर। और ये अभी सपोर्ट करता है E20 वाला। और यहाँ पर आपको 14 से 13 लीटर का मिलता टंकी, मैट फिनिश किया हुआ, देख सकते हो यहाँ पर फिर आपको मिलता ब्लैक कलर। और ये इसका हैंडल कुछ इस तरह से दिख रहा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको फुली मिलता है डिजिटल मीटर और यहाँ पर कुछ कार्बन ब्लैक है और बहुत ही अच्छा है डिस्प्ले भी। और सीट आपको मिलता है सिल्वर सीट डुअल। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे का ग्रेवल, ये भी ग्रे कलर का है। इंडिकेटर मिलता है आपको, देख लीजिए LED। पीछे का टायर देख लीजिए सी, मतलब 140 सेक्शन का है। पीछे आपको ABS नहीं मिलता, डिस्क मिल जाता लेकिन ये 140 सेक्शन का है। ये इसका छोटा सा बढ़िया सा है साइलेंसर। और इस बाइक में आपको क्या मिलता है, इस बाइक में आपको 6 गियर नहीं आता, 5 गियर आता है, 5 गियर दिया है कंपनी। तो बहुत ही अच्छा बाइक है, देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड से भी। यहाँ पर आपको मिलता है इंडिकेटर और ये देखिए इसका साइड का लुक्स, बहुत ही अच्छा बाइक है, देख लीजिए, पूरे फिटिंग का साथ मिलेगा बाइक। 2 लाख के अंदर में चाहिए बाइक तो ये सबसे बेस्ट बाइक है, 2 लाख के अंदर में। तो ये मतलब नया कलर है, बहुत ही अच्छा बाइक है, देख लीजिए। अगर आपको ये बाइक लेना है तो डुओ होंडा के विजिट कर सकते हो। और इसका ये है नेगेट बाइक, ये इसका नेगेट, ये इसका फुल फेयरिंग, हाफ फेयरिंग बोलते हैं, और ये नेगेट। तो दोनों ही बाइक का सेम है, सेम आपको मिलते इंजिन। और बहुत ही अच्छा बाइक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और आपको ये बाइक कैसा लगता है ज़रूर करना कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।